आज हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमें कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है, बट उसको हमें विदाउट नेम क्रिएट करना है, देन उस फोल्डर को बाद में हमें फिर हाइड भी करना है, तो किस तरीके से करेंगे? तो इसमें होता है हमारा, जैसे कि स्टार्ट बटन पे नहीं जाना है हमें, यहाँ पर आप एक शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एन। कंट्रोल शिफ्ट और एन जैसे हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक फोल्डर क्रिएट होके आ जाएगा। अब मुझे इसके नेम को हाइड करना है, तो देखिए नेम को अगर आपको हाइड करना है तो आप ऑल्ट को प्रेस करके रखोगे, देन फिर नोमेरिक की से प्रेस करके 255 और एंटर, तो जो फोल्डर का नेम होता है वो क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अब हमें इस फोल्डर को भी हाइड करना है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाके राइट क्लिक कीजिएगा, देन प्रॉपर्टीज़ में जाना। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद होता है कस्टमाइज। कस्टमाइज में जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर होता है चेंज आइकन्स करके, यहाँ पर हमें हिडन वाला आइकन लेना है, देन ओके। तो जो हमारा ये फोल्डर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड हो जाएगा। देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ हमें पता है कि हाँ हमारा यहाँ पर एक फोल्डर है। थैंक यू डियर स्टूडेंट, अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।